अरे बच्चों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 7 की प्रश्नावली 4.3 में आपका स्वागत है। तो आइए प्रश्नावली 4.3 के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर हमें समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें हल करना है। तो हल करने का मतलब है कि प्रत्येक समीकरण के अंदर एक चर राशि है, जो एक्स वाई टी ए बी सी पी क्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें उस चर राशि का मान निकालना है और वही उस समीकरण का हल हो जाएगा। जो चर राशि का मान होगा, वो मान उस समीकरण में रखने पर उस समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही चर का मान उस समीकरण का हल कहलाएगा। तो ए पार्ट है 2y+5/2 बराबर 37/2। तो इस समीकरण में y एक चर है, तो हमें इस y का मान निकालना है। y का वह मान जो इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का ये दायां पक्ष बायां पक्ष और इस समीकरण का ये दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएं, ऐसा y का मान हमें ढूंढना है। यहाँ से हम लिखेंगे 2y = 37/2। ये जो 5/2 बाएं पक्ष में पड़ा है, इसको हम उठा करके दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। ये इधर जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, जमा से हो जाएगा घटा। बराबर यहाँ पर इन दोनों राशियों में लघुत्तम आएगा 2। हल करेंगे, ऊपर आएगा 37 - 5 और ये हो जाएगा 37 में से 5 गए 32/2। हल करने पर ये आएगा 2 से काटने पर 16। तो हमारे पास बाएं पक्ष में रह गया 2y और दाएं पक्ष में है 16। तो यहाँ से हमें निकालना है y का मान, चर का मान। तो y का मान क्या होगा, y के साथ में 2 है, 2 जब इधर आएगा 16 की तरफ तो ये गुणा में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 16/2 और यहाँ से 16 को 2 से भाग देने पर आएगा 8। तो y का मान हो जाएगा 8। यही इस समीकरण का हल होगा। बी पार्ट है 5t+28/10। यहाँ से हम पहले बाएं पक्ष में जो 28 है उसको दाईं तरफ लेके आएंगे, 10 - 28, क्योंकि 28 यहाँ पर प्लस में है, इधर आके माइनस में है। जब भी कोई संख्या बराबर के निशान से इधर आएगी या उधर जाएगी तो उसका जो निशान है वो बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर वो संख्या कोई बाईं तरफ गुणा में है तो दाईं तरफ जाने पर वो भाग में हो जाएगी, अगर वो बाईं तरफ भाग में है तो दाईं तरफ जाने पर बराबर के निशान से दाईं तरफ इसको लेके जाएंगे तो वो भाग से गुणा हो जाएगी और गुणा है तो भाग हो जाएगी। तो बी पार्ट के अंदर 28 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास आएगा 10 - 28, 10 जमा का है, 28 घटा का है, घट जाएगा और घटा के 18 बचेगा। तो इधर हमारे पास है 5t, दाई तरफ है -18, हमें चाहिए t का मान। तो यहाँ से t के साथ में जो 5 है उसको दाई तरफ लेके आएंगे तो वो गुणा से हो जाएगा भाग, तो माइनस के 18/5। ये हमारे इस समीकरण का हल होगा। सी पार्ट है 1/5 + 3/2। यहाँ से हम पहले 3 को इधर लेके आएंगे, 1/5 = दाई तरफ है 2, बाई तरफ से ये 3 जब इधर आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, प्लस से माइनस, जमा से घटा हो जाएगा। 2 में से गए 3, 2 जमा का है, 3 घटा का है। तो यहाँ पर हम 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाने पर आएगा 1। अब 3 है, उसका निशान है घटा, तो यहाँ बचेगा घटा का 1। अब हमारे पास
बाई तरफ है ए बटा पाँच, दाई तरफ है माइनस एक, हमें चाहिए ए का मान। तो ए के साथ जो भाग में पाँच है उसको दाई तरफ लेके आएंगे माइनस एक की तरफ, तो वो भाग से हो जाएगा गुणा, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा माइनस पाँच। तो ए बराबर घटा के पाँच इस समीकरण का हल होगा। डी पार्ट है क्यू बटे चार जमा सात बराबर पाँच। हम पहले यहाँ पर सात को लेके जाएंगे दाईं तरफ, क्यू बटे चार बराबर दाईं तरफ पहले है पाँच, सात को लेके जाएंगे इसका निशान हो जाएगा घटा, पाँच में से गया सात, बचेगा घटा का दो। अब हम यहाँ पर क्यू के साथ जो भाग में चार है उसको दाईं तरफ लेके जाएंगे, वो भाग में उधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो माइनस दो गुणा चार। तो यहाँ से माइनस दो गुणा चार हो जाएगा माइनस के आठ, तो क्यू का मान होगा माइनस आठ, और यही समीकरण का हल होगा। अगले पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट है इसका पाँच बटे दो एक्स बराबर दस। यहाँ से हमें चर एक्स का मान निकालना है और एक्स का मान ही इस समीकरण का हल होगा। तो एक्स के साथ में जो राशि है पाँच बटे दो वो गुणा में एक्स के साथ, उसको हम दाईं तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास बाईं तरफ बचेगा एक्स, दाईं तरफ पहले से दस है, जब पाँच बटे दो दाईं तरफ आएगा तो ये यहाँ पर जाकर के पलट जाएगा, यहाँ पर ये पाँच बटे दो है, इधर आके हो जाएगा दो बटे पाँच, या ये कहें कि इधर ये राशि है एक्स के साथ गुणा में, जब ये इधर आएगी दस की तरफ तो ये गुणा से हो जाएगी भाग, दस बटे पाँच बटे दो, इसको हम लिख सकते हैं दस गुणा दो बटे पाँच। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, दो गुणा दो चार, तो हमारे पास एक्स का मान हो जाएगा चार। हम सीधा भी इसको इधर लेके आएंगे तो पाँच बटे दो पलट के हो जाएगा दो बटा पाँच, तो एक्स का मान आएगा यहाँ से चार। प्रश्न संख्या एक का एफ पार्ट है पाँच बटे दो एक्स बराबर 25/4। तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर हो जाएगा 25/4, और जब ये एक्स के साथ में पाँच बटे दो गुणा में है, इधर आकर के हो जाएगा भाग में, भाग में होते इसको हम पलट देंगे, पाँच बटा दो से हो जाएगा दो बटा पाँच, इसको हम करेंगे दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, पाँच से काटेंगे पाँच एकम पाँच, पाँच पंजे 25, ऊपर आएगा पाँच गुणा एक पाँच, और नीचे हमारे पास है दो, तो यहाँ से हमारे पास एक्स का मान हो जाएगा 5/2। पाँच बटे दो, यही समीकरण का हल होगा। अगला पार्ट है 7m जमा 19/2 बराबर 13। यहाँ से हमारे पास 7m बराबर होगा, हम 19/2 को इधर लेके आएंगे दाईं तरफ, तो ये माइनस का 19/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये जमा का है, इसका हम लघुत्तम लेंगे, एक और दो का लघुत्तम आएगा दो, दो को एक से भाग देंगे तो फिर जाएगा 13 से गुणा करेंगे 26 घटा, दो को दो से भाग देंगे एक, एक ही गुणा 19 से 19, उन 26 में से 19 गया 7, ये बचेगा हमारे पास 7/2। 7m बराबर है 7/2, हमें चाहिए m का मान, m बराबर हो जाएगा 7/2, इधर जो m गुणा में है वो इधर आके हो जाएगा भाग में, दो के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा 1/2, 1/2 एम का मान हो जाएगा 1/2, यही इस समीकरण का हल होगा। नेक्स्ट पार्ट है 6z+10 बराबर -2। यहाँ पर जो चर राशि है वो जड़ है, हमें जड़ का मान निकालना है, तो यहाँ से 6z बराबर होगा 10 को हम दाईं तरफ लेके आएंगे,
कि घटा का हो जाएगा। घटा के दो, घटा के 10, दोनों घटा के जुड़ जाएंगे, घटा के 12 हो जाएंगे। तो 6z बराबर है घटा के 12। हमें चाहिए जेड का मान, तो 6 गुणा में जेड के साथ इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 6 दूनी 12, जेड का मान हमारा हो जाएगा -2, और यही इस समीकरण का हल होगा। अगला पार्ट है 3l/2/2/3। हमें यहाँ से चर l का मान निकालना है, तो 3 l के साथ में नीचे है 2, पहले 2 को इधर लेके आएंगे 2/3 की तरफ, यहाँ 2 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/3। हमारे पास है 3l/4/3, हमें चाहिए l का मान, तो ये 3 साथ में जो है गुणा में, इसको इधर लेके आएंगे बराबर से इधर आएगा, गुणा से हो जाएगा ये भाग में, तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 गुणा 3 9, तो l का मान हो जाएगा 4/9। ये इस समीकरण का हल होगा। तो जो हमने मान निकाले हैं l का, ये x का, a का जो भी मान है, ये मान अगर इस समीकरण की बात करें हम, तो इस l के इस मान को अगर हम इस तरफ रखेंगे बाईं तरफ, तो हल करने पर ये 2/3 के बराबर आना चाहिए, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं अगर चर का मान रखने पर, तो हम कहेंगे कि हमारा समीकरण का हल सही है। अगला पार्ट है 2b/3-5/3। यहाँ से हमें चर b का मान निकालना है। सबसे पहले हम 5 को उधर लेके जाएंगे, 2b/3 = 3-5, जब इधर आएगा दाईं तरफ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 और 5 8। अब हमारे पास है 2b/3 = 8। अब हमें b के साथ में जो 2/3 है उसको उधर लेके जाना है, या पहले हम 3 को लेके जाएंगे फिर 2 को लेके जाएंगे, कैसे भी कर सकते हैं। तो पहले हम 3 को लेके जाएंगे, 2b = 8, 3 भाग में था इधर गुणा में हो जाएगा, तो ये आएगा 8 * 3 = 24, 2b = 24। अब b के साथ में है 2, 2 को लेके जाएंगे 24 की तरफ, यहाँ गुणा में है, यहाँ हो जाएगा भाग में, 24 को 2 से भाग देने पर आएगा 12, तो यहाँ से b का जो मान है वो हो जाएगा 12। यही इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर भी वैसे ही समीकरण है, इनको हमें हल करना है, चर का मान निकालना है। पहला पार्ट है 2 × x + 4 = 12। तो यहाँ से सबसे पहले हम 2 को इधर लेके जाएंगे, x + 4 = हो जाएगा 12, 2 इधर गुणा में है, इधर हो जाएगा भाग में, तो ये आएगा 12 को 2 से भाग देने पर 6। अब हमारे पास है x + 4 = 6, हमें चाहिए x का मान, x हो जाएगा यहाँ से 4 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का है प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, हमारे पास x का मान आएगा 2, और यही इस समीकरण का हल होगा। अगला पार्ट है 3n - 5 = 21। यहाँ से पहले हम 3 को लेके जाएंगे 21 की तरफ, गुणा में है, भाग में हो जाएगा, 21 को 3 से भाग देने पर 7 आएगा। यहाँ से हमारे पास n - 5 = 7, यहाँ से n बराबर हो जाएगा, -5 को 7 की तरफ लेके जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 और 5 = 12, n का मान हो जाएगा 12। यही समीकरण का हल होगा। अगला पार्ट है 3 × n - 5 = -21। यहाँ से हमारे पास n - 5 = हो जाएगा -21/3, क्योंकि 3 इधर गुणा में है, ये आएगा काटने पर -7। n - 5 = -7, यहाँ से n का मान हो जाएगा -7 की तरफ, -5 को लेके आएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, एक घटा का है एक जमा का, घट जाएगा, 7 में से 5 गया 2, निशान आएगा माइनस का, तो n का मान हो जाएगा -2, यानी n का मान घटा के 2। यही इस समीकरण का हल होगा।
डी पार्ट है -4 × 2 − x = 8। यहाँ से हमारे पास 2 × x का मान हो जाएगा -8 और -4 यहाँ पर है गुणा में, इधर आके हो जाएगा भाग में। 8 को -4 से भाग देने पर आएगा -2। अब हमारे पास है 2 × x = -2। यहाँ से हमारे पास x बराबर हो जाएगा -2, ये 2 उधर आएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। -2 और -2 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो x का मान आ जाएगा -4। x बराबर -4 इसका आंसर होगा, इस समीकरण का हल होगा। ई पार्ट है 4 × 2 − x = 8। यहाँ से हमारे पास 2 − x बराबर हो जाएगा, 4 गुणा में है, दाईं तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा। 8 को 4 से भाग देने पर आएगा 2। 2 × x = 2। यहाँ से −x = हो जाएगा 2, ये वाला 2 इधर आएगा दाईं तरफ, प्लस से माइनस, 2 में से 2 गया 0। −x = 0। तो यहाँ से हमारे पास x = 0, क्योंकि −x का मान 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि −x = 0। 0 को हम लिख सकते हैं -0, किसी संख्या में 0 जोड़ें 0 घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस से माइनस है, ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x = 0। तो ये इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ए पार्ट है 4 = 5 × p − 2। यहाँ से हम हल करेंगे, हमारे पास जो चर राशि है वो अब दाईं तरफ है, पहले चर राशि थी बाईं तरफ, अब चर राशि है दाईं तरफ। तो हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 × p − 2 = 4। दाईं तरफ पक्ष को हम बाईं तरफ लेंगे और बाएं पक्ष को दाईं तरफ, दोनों पक्षों को हमने आपस में बदल दिया है, दाएं पक्ष को बाईं तरफ और बाएं पक्ष को दाईं तरफ करने पर समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम इस तरह से दोनों पक्षों को आपस में बदल सकते हैं, तब हमारे जो समीकरण है वो हमारे पास है कि 5 × p − 2 = 4। इसको हल करेंगे, p − 2 = 4, 5 भाग में है, गुणा में है, सॉरी, इधर आके हो जाएगा भाग में, तो 4/5। यहाँ से p का मान हो जाएगा 4/5, ये घटा का 2, इधर आएगा जमा हो जाएगा, तो p बराबर होगा 4/5, और 2 को जोड़ेंगे लघुत्तम आएगा 5, ऊपर आएगा 4 × 10, ये हो जाएगा 14/5। p बराबर हो जाएगा 14/5, ये इस समीकरण का हल होगा। अगला पार्ट है −4/5 × p − 2। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, 5 × p − 2 = −4, पक्षों को आपस में बदलने पर। यहाँ से p − 2 = हो जाएगा −4/5, क्योंकि 5 इधर गुणा में है। यहाँ से p का मान होगा −4/5 जमा 2, क्योंकि 2 इधर घटा में था, उधर जाके 2 जमा हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे, 1 और 5 का 5 आएगा, ऊपर आएगा −4 × 5, को भाग देंगे 1 से 5 पे जाएगा, 5 की गुणा 2 से 10। अब 10 जमा का है 4 घटा का, हमारे पास बचेगा जमा का 6/5, यही पी का मान हो जाएगा, यही समीकरण का हल होगा। अगला पार्ट है 16 = 4 − 3 × t − 2। यहाँ से हमारे पास पक्षों को बदलने पर हो जाएगा 4 × 3 × t − 2 = 16। हम पहले 4 को उधर लेके जाएंगे, तो 3 × t − 2 =
बराबर 16 या जमा में है इधर घटा में हो जाएगा। 16 में से 4 गए 12, तो 3 गुणा में टी जमा 2 बराबर है 12। यहाँ से टी जमा 2 हो जाएगा, 3 को इधर लेके आएंगे, 12 भाग में 3 ये आएगा 4। टी जमा 2 बराबर 4, यहाँ से टी का मान हो जाएगा 4, 2 को इधर लेके जाएंगे घटा, तो टी बराबर हो जाएगा 2। ये इस समीकरण का हल होगा। डी पार्ट है 4 जमा 5 गुणा पी माइनस 1 बराबर 34। हमें इस समीकरण को हल करना है। पहले इनके पक्षों को हम ऊपर वाले पार्ट्स के अंदर हमने पक्षों को आपस में बदला था, लेकिन यहाँ पर हमें पक्ष को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चर राशि वाला पक्ष है वो हमारे पास पहले ही बाईं तरफ है। तो यहाँ से हमारे पास 5 गुणा p घटा 1 बराबर हो जाएगा 34, 4 आएगा उधर घटा में 4, 34 घटा 4 आएगा 30। अब यहाँ से हमारे पास है 5 गुणा p घटा 1 बराबर 30, तो यहाँ से p घटा 1 बराबर हो जाएगा 5 को इधर लेके आएंगे भाग में हो जाएगा, ये आएगा 6, 30 को भाग देंगे 5 से 6, p घटा 1 बराबर 6, तो यहाँ से p बराबर 6, 1 उधर जाएगा घटा से जमा, तो ये हो जाएगा 7। तो p बराबर 7 इस समीकरण का हल होगा। अगला पार्ट है 0 बराबर 16 जमा 4 गुणा एम माइनस 6। हम इसको पक्षों को बदल सकते हैं, 16 जमा 4 गुणा एम माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास 4 गुणा m माइनस 6 बराबर 0, 16 इधर आएगा घटा का हो जाएगा, 0 में से गए 16, घटा के 16 बचेगा, क्योंकि तो मैंने बताया था कि संख्या में 0 को जोड़ने पर और 0 को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमारे पास है 4 गुणा m माइनस 6 बराबर -16, यहाँ से m माइनस 6 बराबर हो जाएगा घटा के 16, 4 यहाँ गुणा में है भाग में हो जाएगा, ये आएगा माइनस के 4, m-6 बराबर -4। यहाँ से हमारे पास m बराबर होगा -4, -6 को दाईं तरफ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस का 4 माइनस का, ये बचेगा प्लस का 2 जमा का 2, तो यहाँ से हमारे पास m का मान हो जाएगा 2, और यही m का मान 2 इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न संख्या 4 है, x बराबर 2, ए पार्ट, x बराबर 2 का प्रयोग करते हुए 3 समीकरण बनाइए। हमें x बराबर 2 को लेते हुए कोई 3 समीकरण बनाने हैं। तो पहला समीकरण क्या होगा, x बराबर 2 है, हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 2 गुणा 2 4, तो एक हमारा समीकरण ये बन जाएगा। फिर हम x बराबर 2 को दोनों तरफ 3 से गुणा करते हैं, तो 3x बराबर इधर भी 3 से, 3 गुणा 2 6, और फिर दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं इधर भी एक, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x जमा 1 बराबर 6 और 1 7, एक समीकरण ये बन जाएगा। इसी प्रकार हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, 3 से, 3 से कर चुके हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से, किसी से भी, हम दोनों तरफ 4 से गुणा करते हैं, तो 4 गुणा x 4x बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा 2 8, एक समीकरण ये बन जाएगा। और भी बना सकते हैं, इनको 4 से गुणा करेंगे, 4x दोनों तरफ इधर आएगा 8, फिर दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, इधर भी 2 इधर भी 2, ये हो जाएगा 4x जमा 2 बराबर 10, एक समीकरण ये बन जाएगा।
तो इस प्रकार से हम अनेकों समीकरण बना सकते हैं x बराबर 2 के दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुणा करके, भाग करके, जोड़ के या घटा करके अनेक समीकरण बना सकते हैं। अगला पार्ट है x बराबर -2 का प्रयोग करते हुए भी हमें तीन समीकरण बनाने हैं, तो वही इसके अंदर करेंगे। दोनों तरफ इस समीकरण में x का जो मान है इसमें दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे, इधर आएगा 3x, इधर आएगा -2 गुणा 3, ये हो जाएगा -6। तो समीकरण हो जाएगा 3x बराबर -6, एक समीकरण ये बन जाएगा। अगले स्टेप में कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर 3x बराबर, इधर आएगा -6 और 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x जमा 2 बराबर -6 जमा 2 -4, एक समीकरण ये बन जाएगा। और भी बना सकते हैं, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, इसको 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2x बराबर -2 को गुणा करेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा x/2 बराबर, ये कट जाएगा, -1, तो एक समीकरण ये बन जाएगा। इस तरह से हम अनेकों समीकरण बना सकते हैं x बराबर 2 और x बराबर -2 का प्रयोग करते हुए। तो ये प्रश्नावली 4.3 यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।